हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैट डिज़ाइन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाई कास्टिंग डाई डिज़ाइन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आप डाई कास्टिंग डाई डिज़ाइन के लिए इंटरव्यू देंगे, हाउ टू कैलकुलेट मशीन टनेज रिक्वायर्ड फॉर HPDC डाई कास्टिंग। HPDC यानी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। तो किसी भी डाई कास्टिंग पार्ट, HPDC डाई कास्टिंग पार्ट के लिए आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्ट कितने मशीन टनेज में बनेगा। मशीन टनेज के लिए हम लोग जो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो डाई क्लैंपिंग फोर्स हम लोग निकालते हैं, उसके हिसाब से ये जो पार्ट है कितने टनेज की मशीन में चल सकती है। यहाँ पे दो पॉइंट और हैं जिसे ध्यान में रखा जा सकता है यदि आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे बेसिक है, डाई क्लैंपिंग फोर्स के बारे में। वट इज डाई क्लैंपिंग फोर्स? डाई क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है? डाई क्लैंपिंग फोर्स इज द फोर्स अप्लाई टू ए मोल्ड बाय क्लैंपिंग यूनिट ऑफ डाई कास्टिंग मशीन। द क्लैंपिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द सेपरेटिंग फोर्स। डाई क्लैंपिंग फोर्स होता है जो अप्लाई होता है मोल्ड में बाय क्लैंपिंग यूनिट ऑफ डाई कास्टिंग मशीन। यहाँ पे आप लेआउट में देख सकते हैं, ये दोनों ओपन और क्लोज, यहाँ पे ओपन है डाई और यहाँ पे क्लोज है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे ये है हमारा क्लैंपिंग यूनिट। इस क्लैंपिंग यूनिट से जो डाई, ये जो दोनों डाई है इस पे जो प्रेशर अप्लाई होता है इसी को हम लोग क्लैंपिंग फोर्स बोलते हैं। और एक सेपरेटिंग फोर्स होता है जो इन डाई को खोलना चाहता है। तो हमेशा क्लैंपिंग फोर्स जो होता है वो सेपरेटिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। जो इंजेक्शन मोल्टेन मेटल जो आता है मोल्ड के अंदर प्रेशर से, उसके कारण जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेपरेटिंग फोर्स होता है। हाउ टू कैलकुलेट सेपरेटिंग फोर्स? हमें डाई क्लैंपिंग फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले सेपरेटिंग फोर्स निकालना होगा, क्योंकि हमारा सेपरेटिंग फोर्स से जो डाई क्लैंपिंग फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा सेपरेटिंग फोर्स कितना है। ओपनिंग फोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ओपनिंग फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कैविटी टू मेक द डाई एक्सपेंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ डाई कास्टिंग पार्ट। द ओपनिंग फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। एफ है हमारा ओपनिंग फोर्स, पी है हमारा स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर और ए है हमारा टोटल प्रोजेक्टेड ए। जो ओपनिंग फोर्स होता है जिसको हम लोग सेपरेटिंग फोर्स भी बोलते हैं, तो वो जो फोर्स अप्लाई होता है कैविटी को खोलने का प्रयास करता है वो प्रोडक्शन के अंदर, जब मशीन चल रही होती है और डाई कास्टिंग पार्ट निकल रहा होता है उस समय। स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, यहाँ पे हमने यहाँ पे दो चीज़ें बात की जो हम लोग को सेपरेटिंग फोर्स निकालने के लिए ज़रूरी होगा, जो कि होगा स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर और हम टोटल प्रोजेक्टेड एरिया। हम इन दोनों को हमें पता करना पड़ेगा कि ये दोनों हमें कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर के बारे में। स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, मोल्टेन मेटल इज लेडेड थ्रू द शॉर्ट होल इनटू द कोल्ड चेंबर एंड शॉर्ट प्लंजर प्रेस द मेटल इनटू द डाई। द प्रेशर अप्लाइड बाय द प्लंजर टू पुश द मेटल इनटू द डाई इज स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर। जो हमारा मोल्टेड मेटल होता है वो स्लिप के द्वारा, आप इसे कोल्ड चैम्बर को स्लिप भी मान सकते हैं, स्लिप और यहाँ पे आगे स्क्रू बूस्ट होता है। तो स्लिप में हम लोग एक शॉर्ट होल होता है उसके अंदर मोल्टेड मेटल को डाला जाता है, उसके बाद पीछे से प्लंजर जो आता है या आप इसे पिस्टन भी बोल सकते हैं वो उससे प्रेस करता है और प्रेस करके उस मेटल मोल्टेन मेटल को कैविटी में प्रेस कर देता है। तो जो प्रेशर से वो प्रेस करता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। इंजेक्शन प्रेशर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है या यूज कर सकते हैं हम इसे। स्टैंडर्ड कास्टिंग के लिए हम लोग 600 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं और टेक्निकल कास्टिंग या ऑटोमोबाइल डाई कास्टिंग के लिए हम लोग 600 से 800 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। और
प्रेशर टेस्टिंग और लीकेज टेस्टिंग इस टाइप के रिक्वायरमेंट वाले डायकास्टिंग पार्ट के लिए हम लोग 800 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यूज करते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोजेक्टेड एरिया इज द टू डायमेंशनल एरिया मेजर्ड फॉर ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ ऑन प्लेन। आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं कि जैसे कि एक ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कास्टिंग है, इसका हमने एक प्लेन बनाया है ड्रो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कैविटी और कोर खुलेंगे उसी डायरेक्शन में एक प्लेन बनाया है उसी के नॉर्मल डायरेक्शन में, और वहाँ पे हमने एक इस 3D ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और एक सरफेस क्रिएट किया है। यही सरफेस का एरिया हमारा प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोजेक्टेड एरिया में हम लोग कास्टिंग का प्रोजेक्टेड एरिया, यदि कास्टिंग में कोई स्लाइड चल रही है तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया, रनर प्रोजेक्टेड एरिया और ओवरफ्लो प्रोजेक्टेड एरिया को ऐड करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये ओवरफ्लो है, ये रनर है, ये बिस्किट है और ये कास्टिंग है, तो इन सब का प्रोजेक्टेड एरिया जोड़कर हमारा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया बनता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वैल्यू लिया है कि कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया, ताकि कैलकुलेशन भी समझ में आए। और जो ओवरफ्लो और रनर का प्रोजेक्टेड एरिया है वो 40% ऑफ टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग लेते हैं। और स्लाइड का जो प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्लाइड का प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया मस्ट बी सिलेक्टेड टू द पैरेलल टू द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ कोर ट्रेवल इनटू टैन थीटा। ये जो है हमारा स्लाइड है इस वाले पार्ट में यहाँ पे, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये हमारा जो आया, ये प्रोजेक्टेड एरिया आ गया स्लाइड का प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसको टेन थीटा से इंटू करने के बाद स्लाइड का प्रोजेक्टेड एरिया ये आएगा। ये प्रोजेक्टेड एरिया एक्चुअली एग्जैक्ट प्रोजेक्टेड एरिया नहीं है जो हमारा यूज होगा कैविटी को खोलने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लाइड से फोर्स आता है वो बढ़ जाता है इस एंगल के हिसाब से, और बहुत कम फोर्स हमारा ऊपर की ओर लगता है। वो डिपेंड करता है कि इसका वेज का एंगल क्या है। वेज क्या होता है? ये वेज होता है, ये वेज जो पीछे स्लाइड के पीछे लगा रहता है। वेज का जो एंगल होता है वो कैंपिंग के एंगल से 2 डिग्री ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे वेज का एंगल निकाल सकते हैं और ये ही टेन थीटा होगा। तो इसी तरह हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करके हमने यहाँ पे 20 डिग्री लिया है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे दो स्लाइड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे माना है कि इस कास्टिंग में दो स्लाइड हैं और दोनों स्लाइड का यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया निकाला है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल प्रोजेक्टेड एरिया निकाला। हम लोग निकालने वाले हैं सेपरेटिंग फोर्स, क्योंकि हमारे क्लैंपिंग फोर्स निकालने से पहले हमें सेपरेटिंग फोर्स पता होना चाहिए कि सेपरेटिंग फोर्स कितना लग रहा है। तो हमने यहाँ पे जो स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर लिया है वो लिया है 600 से 800 के बीच में, और हमने लिया है 800 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके हमने कन्वर्ट किया है 8 kg स्क्वायर में। ओपनिंग फोर्स इक्वल टू स्पेसिफिक प्रेशर इनटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया, ये ओपनिंग फोर्स निकाल रहे हैं 654.56 टन। द क्लैंपिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द सेपरेटिंग फोर्स। तो जो हमारा सेपरेटिंग फोर्स लग रहा है या ओपनिंग फोर्स लग रहा है उससे हमेशा लॉकिंग फोर्स ज़्यादा होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे जो ज़्यादा लेते हैं उसे हम लोग सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं, जिसे यहाँ पे हमने जो सेफ्टी फैक्टर लिया है वो 1.2 लिया है। तो जो हमारा ओपनिंग फोर्स आ रहा है उससे हम लोग 1.2 से इंटू करके जो हमारा लॉकिंग फोर्स आएगा वो हमारा मशीन टनेज होगा। तो अब ये हमारा आ गया 785.472 टनेज। अब इसके आसपास हमें मशीन सिलेक्ट करना है कि किस टनेज का मशीन हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे 900 टन की मशीन सेलेक्ट की। नेक्स्ट हमारा है फिल रेशियो। फिल रेशियो क्या होता है? व्हाट इज फिल रेशियो? हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग मशीन टनेज? It is the percentage of molten metal into the cold chamber compared to the total volume of cold chamber
another way to say that it is the percentage of molten metal compared to the percentage of air in the cold chamber. For example, 50% of metal and 50% of air remaining. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 50% जो है हमारा वो मेटल है और 50% जो है हमारा वाइट कलर वो एयर है. जो फील जैसे होता है कि जो हमारा कोल्ड चेंबर है जिसको हम लोग स्लिप भी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्लिप भी बोल सकते हैं, उसमें हमारा जो मेटल डलता है तो उसमें रेशियो क्या है कि हमारा एयर और मोल्टन मेटल का रेशियो क्या है उस शॉर्ट स्लिप में, उसे हम लोग फील रेशियो बोलते हैं. The percentage of fill is important because it is used to calculate the optimum slow velocity that can have a quality impact of casting. जो fill ratio होता है वो important होता है जो हमारा casting है उसकी quality को decide करने के लिए. यदि fill ratio हमारा सही होगा तो हमारे casting की quality सही होगी. इससे और एक चीज decide होती है कि हम हमारा जो स्लो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा. जो हमारा जो जब हम मेटल को भरते हैं तो हम सबसे पहले स्लो वेलोसिटी से हम उसे फर्स्ट फेज पे आता है, उसके बाद हमारा सेकेंड फेज जो होता है वो फास्ट वेलोसिटी का होता है, एंड देन जो थर्ड फेज होता है वो हम लोग उसे प्लेस करके रखते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट फेज में जो स्लो वेलोसिटी होता है वो कितना होगा वो हम लोग फिल रेशियो से डिसाइड करते हैं. तो फिल रेशियो कितना होना चाहिए? फिल रेशियो जो है वो 30-40% गुड इज गुड फॉर ऑटोमोबाइल डाई कास्टिंग कंपोनेंट क्वालिटी. ये डिफरेंट हो सकता है हर इंडस्ट्री के हिसाब से, किसी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कंपोनेंट के पार्ट के डिज़ाइन के हिसाब से भी ये निर्भर करता है. तो फिल रेशियो को हम लोग कैसे निकालते हैं? फिल रेशियो जो है हमारा वो शॉर्ट वेट बाय स्लिप मास, कि हमारा जो टोटल जो शॉर्ट वेट आ रहा है ओवरफ्लो रनर बिस्किट सबको इंक्लूड करके जो उसका वेट आ रहा है और जो वेट जो जो वॉल्यूम है उसमें स्लीव में टोटल उसका जो वेट आएगा उसका वेट का मतलब परसेंट डिवाइड करने से कितना रेशियो बनता है वो है हमारा फिल रेशियो. हाउ टू गेट शॉर्ट वेट, शॉर्ट वेट कैसे? Short weight is the complete weight of sort in which casting, overflow, runner, biscuit are included. For example, यहाँ पे हमने casting weight लिया है और overflow और runner का weight जो है वो 40% of casting weight और component weight हमने यहाँ पे माना है. जो हमारा biscuit weight है, जो हमारा यहाँ पे biscuit weight है वो है हमारा pi r square h से निकालेंगे. हमें biscuit weight निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लंजर डायमीटर क्या है, और प्लंजर डायमीटर पता करने के लिए हम लोगों को जो डायकास्टिंग मशीन मैन्युफैक्चरर का जो कैटलॉग है उसे देखना पड़ेगा. सबसे पहले तो बिस्किट हमारा क्या होता है, तो ये हमारा बिस्किट होता है और इसमें जो ये डाया होता है ये प्लंजर से बनता है, प्लंजर का जो डाया होता है वही डाया यहाँ पे बनता है. तो ये हमारा एक स्क्रीन शॉट है जो मशीन जो है हमारी डायकास्टिंग मशीन उसका ये कैटलॉग का स्क्रीनशॉट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लंजर डायमीटर, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है प्लंजर डायमीटर के, 80 का, 90 का और 100 का. तो यहाँ पे हम लोग 90 का प्लंजर टिप डायमीटर चुनते हैं यहाँ पे. उसके बाद हम लोग बिस्किट का वेट निकालते हैं जो कि पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी है. तो हमारा जो वॉल्यूम आता है वो इतना आता है, उसके बाद हमारा जो बिस्किट का वेट आता है वो इतना आ जाता है. अब जो ये शॉर्ट वेट है वो अब हम लोग कास्टिंग वेट, ओवरफ्लो प्लस रनर वेट प्लस बिस्किट वेट को टोटल को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट वेट आ जाता है. शॉर्ट वेट के बाद हम लोग निकालते हैं स्लिप मास कि अब हमारा स्लिप का कितना वेट आएगा या मास क्या है उसका. तो स्लिप मास जो होता है वो प्लंजर एरिया इंटू एक्टिव स्लिप लेंथ इंटू डेंसिटी. तो यहाँ पे प्लंजर डायमीटर हमें पता है जिसके कारण हमें प्लंजर एरिया पता है हो जाता है, और यहाँ पे अब हमें निकालना है एक्टिव स्लीव लेंथ. एक्टिव स्लीव लेंथ निकालने के लिए हमें जो ज़रूरी होगा वो जो मशीन का कैटलॉग है उससे हमने ये
डायग्राम लिया है उसी का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपको तो जो है यहाँ पे जो 750 ST दिखा हुआ है ये है प्लंजर स्टॉक, जो हमारा टोटल प्लंजर स्टॉक जो है प्लंजर कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा उसका ये टोटल प्लंजर स्टॉक है। और ये है हमारा प्लंजर टिप पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो है ये जो हमारा मशीन का जो प्लेट है या पैटर्न है उससे कितना आगे निकलेगा, इसी इस फेस के आगे ही स्क्रू बुश हमारा लगता है, ठीक है, तो उससे कितना आगे है तो ये हम यहाँ पे इससे हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है एक्टिव स्लीव लेंथ को समझाने के लिए। एक्टिव स्लीव लेंथ इक्वल टू प्लंजर स्टॉक माइनस प्लंजर टिप पेनिट्रेशन, जो हमारा पूरा प्लंजर स्टॉक है माइनस प्लंजर टिप पेनिट्रेशन, वो मशीन की प्लेट यानी ये माइनस 350 जो अब हम ये प्लेट तक आ गए हैं, प्लस स्क्रू बुश लेंथ माइनस कॉर्न हाइट, जो ये हमारा 12 mm कॉर्न हाइट है, यानी कि डिफ्यूजर का फेस तक ये हमारा यहाँ पे कास्टिंग बनता है, मगर ये डिफ्यूजर का फेस यहाँ पे आता है, यहाँ तक ये प्लंजर जा सकता है यदि कास्टिंग ना हो तो, इस यहाँ तक ये डिफ्यूजर का फेस होता है यहाँ पे, तो यहाँ तक जो ट्रेवल होता है ये हमारा एक्टिव स्लीव लेंथ होता है यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं एक्टिव स्लीव लेंथ इस वाले फेस तक है। ये हमारा मशीन का प्लेट है, ये स्क्रू बुश का लेंथ है। अब हमारा जो स्क्रू बुश का लेंथ हमने यहाँ पे पता कर लिया कि एवरेज इतना आ रहा है, हमने ये आपको स्क्रू बुश का लेंथ आपको पता करना पड़ेगा कैविटी की डेप्थ प्लस आप कैलकुलेट कर सकते हैं रफली डिज़ाइन बनाकर डाई का कितना आ रहा है, उसके बाद डिफ्यूज़र की कॉर्न हाइट लगभग 12 mm और प्लंजर टिप पेनिट्रेशन हमारे मशीन कैटलॉग से मिल जाएगा और प्लंजर स्टॉक हमारे कैटलॉग से मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक्टिव स्लीव लेंथ निकाल सकते हैं। एक्टिव स्लीव लेंथ निकालने के बाद हम लोग स्लीव वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद हम लोग स्लीव मास निकालते हैं। स्लीव मास निकालने के बाद हम लोग अब इसे शॉर्ट स्लीव डिवाइड बाय स्लीव मास इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमें 36.37% आता है। सो फिल रेशियो इज 36.37, 30-40% के अंदर होना चाहिए, यानी 36% आ रहा है यानी ओके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये फिल रेशियो बहुत ही अच्छा है कास्टिंग पार्ट की क्वालिटी के लिए। अब हम मोल्ड साइज कैसे डिपेंड कर फर्क पड़ सकता है, कि मोल्ड साइज को भी डाई डिज़ाइन करने में बहुत ध्यान रखा जाता है, और जब पार्ट के हिसाब से आप जब मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक बार जो है मोल्ड के साइज और पैटर्न साइज और टाइबार और मैक्सिमम और मिनिमम डाई हाइट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि पार्ट काफ़ी लंबा मतलब हाइट में ज़्यादा होते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो उसकी उस टनेज की मशीन में नहीं आ पाती है, या उसका जो स्लाइड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जो हमारा टाई बार जो आ जाता है स्लाइड उसके स्लाइड फॉल करती है टाई बार में, या हमारा ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, या यदि हम बॉटम में सिलेंडर लगा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मशीन के ड्राइंग जो पैटर्न ड्राइंग है या मशीन ड्राइंग है जो कैटलॉग में होती है उसे ध्यान में रख के आपको कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हमने बताई है जो आप कैसे पढ़ सकते हैं इस पैटर्न ड्राइंग को, जैसे ये इजेक्टर स्टॉक है कि इतना स्टॉक हमारा है मशीन में, और मोल्ड की मिनिमम मैक्सिमम हाइट आपको जो मोल्ड हाइट टोटल मोल्ड हाइट जो होनी चाहिए इसके अंदर होनी चाहिए, और ये क्लियरेंस बिटवीन बार है, और ये टाई बार की जो डायमीटर है। अब एक मोल्ड अब जैसे ये एक मोल्ड के लेआउट है जिसका मोल्ड हाइट आप जैसे ही मोल्ड डिज़ाइन करेंगे उसका मोल्ड हाइट आ जाएगा, ये मोल्ड हाइट होता है डाई हाइट होता है, और ये क्लियरेंस है इसके अंदर आपका डाई
आ जाना चाहिए और जो सिलेंडर है इस जगह पे फॉल नहीं करना चाहिए। काफी टाइम हमारा टाइवर खोलना भी पड़ता है, किसी मशीन में ऑप्शन होता है किसी में नहीं होता है लोड करने के लिए। और आप एक से दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टाई बार हैं यहाँ पे, तो आप एक डाई को दो से ज्यादा टनेज में भी चलाने के लिए ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे ये 800 या 900 दोनों पे चले, इसके हिसाब से भी आप प्रोविजन कर सकते हैं। तो दोनों के हिसाब से आपको डाई को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको डाई का डिजाइन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि ये पार्ट इस पैटर्न में या बन जाएगा कि नहीं, इस मशीन के डाई हाइट या क्लियरेंस बिटवीन टाई बार के में के हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। ये चीजें आपको मोल्ड लेआउट बनाते समय या मशीन लेने समय या डाई, ये हमारा टनेज सेलेक्ट करते समय भी हमें पार्ट में डिसाइड ध्यान रखना चाहिए। यही है मोल्ड, जो सिलेंडर है जो वो फॉल नहीं करना चाहिए टाई बार में, और इसकी हाइट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट के अंदर होनी चाहिए। और भी बहुत चीजें हैं जो हमने बताई। यहाँ पे हमने जो सीखा है बेसिक लर्निंग पॉइंट जो है, मैं एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ, जो हाउ टू कैलकुलेट द मशीन टनेज हमने इस पीपीटी में सीखा है, क्लैंपिंग फोर्स निकालना सीखा है, सेपरेटिंग फोर्स किसे कहते हैं, स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर, प्रोजेक्टेड एरिया और सेपरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करना, फील्ड रेशियो क्या इंपॉर्टेंट है फील्ड रेशियो मशीन टनेज के लिए, और कैसे फील्ड रेशियो निकालते हैं, शॉर्ट वेट कैसे निकालते हैं, स्लीव मास कैसे निकालते हैं, एक्टिव स्लीव लेंथ कैसे निकालते हैं, और पैटर्न ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, और मोल्ड का लेआउट कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की है। और आपको कोई भी इस वीडियो सेशन में आपको आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और यदि आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि कुछ छूट गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।